आत्मनिष्ठं शरणं भोगातीतासमदं युतं शिष्यसंघे सुसेव्यं ज्ञानागारं मधुरवासं मोक्षमार्गं दिशान्तं वंदेहं सुरवरतं योगिराजं कबीरं अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव की। मानव समाज के प्रबल प्रेरणा स्रोत वंदनी संत समाज सत्संग सरिता में निमज्जन कर रहे आत्मी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, आपके पावन ग्राम भेंडरा में दो दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कबीर संगत साधु की। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आधी बात साखी को सुनने में ही समझ आ जाएगी। कबीर संगत साधु की निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां ते खाए। यहां पर आप लोग सत्संग करने आए हैं ना सत्संग करने। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, उत्तर मैं भी दूंगा भाई, घबराना मत, अपनी समझ के अनुसार। मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि आप लोग सत्संग क्यों करते हैं, ये सत्संग की आवश्यकता क्यों है। जहां तक मेरा ख्याल है, मेरी सोच है, यहां पर जितने लोग आप लोग इस टीना सेट के नीचे बैठे हैं, सबके घर खाने को अन्न है, पहनने के लिए कपड़े हैं, कोई भी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ काम चल रहा है, दुनिया की कोई काम नहीं रुक रही है। फिर भी मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ये सत्संग की आवश्यकता क्यों पड़ गई। इन समिति वालों ने या आप लोग गांव वाले इतने तामझाम में तमाशाबाजी, अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई को आप लोग झोंक दिए हैं, आखिर इसका रीजन कारण क्या है। कभी आपने खोज किया, समझने की कोशिश की कि हम सत्संग क्यों करते हैं, संतों गुरुजनों के चरण शरण उसके सानिध्य लाभ हम लेने क्यों जाते हैं। बंधुओं, जहां पर आप बैठे हैं, जिस जगह पर, जिस स्थल पर आप बैठे हैं सत्संग करने के लिए, सत्संग एक ऐसी जगह है जहां पर जीवन निर्माण की बातें होती है, जहां पर जीवन को सजाने और धजाने की बात होती है। यहां पर आप लोग कोई टाइम पास करने नहीं आए हैं, यहां पर हम लोग कोई पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। मन में उत्कंठा जगी, भाव जगा कि चलो संतों के कुछ वाणी वचन को सुन लें, क्योंकि हमारा भारत देश संतों का देश, मुनियों ऋषियों का देश, त्यागी और तपस्वियों का देश, बलिदानों का देश, ये भारत देश है। यहां की मिट्टी में, यहां की आबो हवा पर हमारे त्यागी बैरागियों और वीर शहीदों के ये देश, भारत की एक एक मिट्टी पर हमारे बलिदानों और संत गुरुजनों की खुशबू है। ये पूरा देश संतों गुरुजनों और बलिदानियों का सींचा हुआ ये भूमि है, और बड़े सौभाग्य की बात है कि हम और आप का जन्म ऐसे पावन जगहों पर, पावन धरती पर, भारत की इस मिट्टी पर हमारा जन्म हुआ। आप लोग देखें, जितने भी त्यागी बैरागी संत हुए हैं, संतों का जीवन आप लोग देखें, उनके जीवन को झांक कर देखना, उनकी जिंदगी जीने की शैली को आप परखना,
संत गुरुजन अपने घर बार को छोड़कर, अपनी दुनिया को छोड़कर, उनकी एक नई दुनिया होती है, गुफाओं की कंदराओं पे, अकेले निर्जल स्थलों पर कितने संत गुरुजन त्याग और तपस्या करते हैं। ये जिस मिट्टी पर, जिस धरती पर, जिस धरती माँ की गोद में हमारी जिंदगी पल रही है, किसी जमाने में 200-250 वर्षों तक ये हमारा भारत देश, ये माँ भारती अंग्रेजों के, फिरंगियों के गुलाम थे, हम लोग उनके गिरफ्त में थे। कुछ नौजवानों के अंदर एक सूझ हुई, उसके अंदर एक जुनून जगा, क्रांति की आग लगी और इस मां भारती की आजादी के लिए वो कूद पड़े। आज हम इतनी स्वतंत्रता, इतना फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। कभी आपने विचार किया है, ये जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से घूम फिर रहे हैं, अपनी बातों को रख पा रहे हैं, इनका वजह है हमारे देश के वीर शहीदों ने, अपने देश के, अपने वसिंदों के लिए, इस भारतवासियों के लिए अपनी जानों की कुर्बानी कर दिए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या उन वीर शहीदों को जिन्होंने इस मां भारती की गुलामी को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए, क्या उनको अपने मां की गोद में, अपने घर और परिवार के बीच में जीने का शौक नहीं रहा होगा? जिन त्यागी बरागी संतों को देखते हो बेघर बार, नंग धड़ंग, ऐसे मैले कुचेले घर परिवारों से उदास होकर, दुनिया की आकर्षण से उदास होकर जीवन जी रहे हैं, कभी उनकी जिंदगी को भी झांकना, उनके त्याग और बैराग को देखना हमारे पूर्वजों का एक सपना था, उनका एक ख्वाब था, उनका एक अरमान था, उनकी इच्छा थी, कामना थी कि आज मैं त्याग और बैराग कर रहा हूं, जो पथ जो रास्ता मैं अपने बच्चों को दिखा रहा हूं, मेरे आदर्शों को मेरे बच्चे जीवन में अपनाएं, ताकि उनका भी जीवन, उनकी भी जिंदगी सुख शांति पूर्वक बीते। ऐसे ऐसे नौजवान लड़के थे जिनकी दाढ़ी मूंछ की रेख भी नहीं आई थी और भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आप लोग सुने होंगे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, इनकी उम्र क्या थी? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हंसते हंसते उस फांसी के फंदे को अपने गले में लगा लिए। कितनी मां की मांग उजड़ गए, कितनी मां के आंचल सुने हो गए, गुद सोने हो गए, कितने बहन अपने भाई को पाने के लिए तरस गई, लेकिन वो महापुरुष अपनी जान की बाजी लगाकर इस भारत मां की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। उनके मन में एक जुनून आग लगी थी कि कैसे हम अपने ही देश में रहकर, अपने ही देश के वसिंदे होकर आज हम एक गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। उनके मन में उत्कंठा हुई ताकि आने वाली मेरी संतान, मेरी पीढ़ी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सके, अपने देश को, अपनी दुनिया को संभाल सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये देश की मिट्टी, ये देश की हवा त्यागियों, बलियाने और वीर शहीदों की देश है। ये हमारे महापुरुषों ने जो त्याग किया, वीर शहीदों ने इस भारत के लिए शहादत हुए, उनके त्याग और बलिदानों को हम व्यर्थ ना जाने दें। कितने महापुरुष हुए वीर शहीद, बस एक धुन था, सर परोसी की तमन्ना आज हमारे दिल में। उनके त्याग, उनके बलिदान, उनके खून के एक एक कतरा व्यर्थ ना जाने पाए। लेकिन आज हम देखते हैं वर्तमान युग में, इस जनरेशन में, इस विज्ञान युग में, इस 21वीं सदी में, कैसे हम अपने महापुरुषों के, अपने पूर्वजों के आदर्शों को, उनके दिखाए हुए मार्ग को
उनकी मर्यादा को हम मिट्टी पलीत करने में जरा भी कोर कसर नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे। आज भारतीय संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता को हम भूलते जा रहे हैं, और बड़ी खुशी से पश्चात सभ्यता को हम अपने जीवन में अपना रहे हैं। आज पश्चात सभ्यता इतनी हावी हो गई है कि आदमी धर्म कर्म को भूलता जा रहा है। हम अपने महापुरुषों की मर्यादा नहीं कर पा रहे हैं। आज सत्संग भजन साधु संतों की जगह को देखो तो खाली पड़ा है, किसी के पास फुर्सत नहीं उस ज्ञान की बातों को जीने के लिए, अपने जीवन में अपनाने के लिए, ज्ञान ध्यान की बातों को सुनने के लिए, अपनाने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए मन कतराता है। जहां तक मेरी सोच है, जिस स्थल पर अभी वर्तमान में प्रेजेंट में अभी हम लोग बैठे हैं, अभी ये पहली सभा है, इसके बाद दूसरी सभा होगी, फिर दो बार सभा होगी, और कल अंतिम में ये घोषणा की जाए, ये अपील की जाए कि दो दिनों तक सत्संग चला, आज सत्संग समाप्त है, और आज शाम को अर्जुंदा वाले ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम है। ध्यान से सुनिए, देखना इतनी मारा मारी होगी, जिस टीना सेट पर हम बैठे हैं ये जगह कम पड़ जाएगी। अपनी मन की मांग को देखें, अंदर की मुराद क्या उठ रही है, इच्छा क्या जग रही है, दुनिया की भौतिक आकर्षण में, दुनिया की वाहवाही में, दिमाग खराब करो वाले कामों में कितना हमारा इंटरेस्ट है। आप अपनी मन की मांग को देखें, मन की पुकार क्या है, मन में इच्छा क्या उठ रही है, मन की मांग क्या है। स्वाभाविक हमारा मन बाहरी आकर्षण में, बाहरी दुनिया में लगा हुआ है। किसी से और पूछिए, दो दिन तक सत्संग चला, चलिए दो दिन के बाद छोड़िए, आज सत्संग हुआ, आप दिखे नहीं बहन, आप दिखे नहीं जी, भाई लोग पूछे तो लोग क्या कहते हैं, अरे क्या बताएं, बहुत बिजी हैं, टाइम ही नहीं भाई साहब। आइए मैं थोड़ा चुटकुला आप लोगों को सुना दूं कि आदमी व्यस्त होने का कैसे बहाना बनाता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत शॉर्टकट में बात कर रहा हूं। एक सेठ जी थे, उसकी कई फैक्ट्रियां थी। अब सेठ जी क्या करते थे, सुबह उठा जाए, नाश्ता किया और दौड़े इस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री, उस फैक्ट्री से इस फैक्ट्री। शाम को जब थके मांदे घर आया सेठ, घर आए सेठ जी, तो उसकी धर्म पत्नी सेठानी कहती, अरे सेठ जी, अरे सुनते हो, अरे हमारे ग्राम भिंडरा में बहुत दूर दूर से संत जन आए हैं, चलो उनके सत्संग सुन लें, उनके दर्शन लाभ कर लें, उनके दीदार कर लें, कुछ धर्म पुण्य का काम कर लें। सेठ कहता, अरे भाग्यवान, मेरे पास इतना वक्त क्या है, फुर्सत कहां है सत्संग भजन सुनने का, धर्म कर्म करने का। फिर दूसरे दिन सेठ दौड़ा इस फैक्ट्री से उस फैक्ट्री, फिर जब शाम को देर रात थके मांदे लौट कर आए, उसकी पत्नी कहती, अरे सुनते हो सेठ जी, अरे हमारा एक लौता बेटा है पप्पू, वो बीमार पड़ गए, उनकी तबीयत खराब हो गई है, अरे डॉक्टर को दिखा दो भाई। सेठ अपने पुराना चीर परची अंताज में कहता है कि अरे सेठानी जी, मेरे पास फुर्सत कहाँ है, मैं बहुत बिजी हूँ, आगे मुझे ऐसे सब मत बताना, यहां तक मैं इतना बिजी हूं, कुछ मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं। उसकी सेठानी कहते, अरे सेठ जी प्लीज, अभी मरना मत जी। तो सेठ कहता है क्यों, तो सेठानी कहती है मुझे रोने की फुर्सत नहीं। कैसे भागम भाग की दुनिया चल रही है, अच्छे कामों के लिए, जहां पर जीवन सुधरे,
जीवन में सुधार हो, अच्छा कर्म धर्म हो। कौन चाहता है कि मेरे जीवन में दुख हो, अशांति हो, पीड़ा आए, कोई मुझसे लड़े, कोई मुझसे गाली दे? कौन कौन चाहते हो? हम लोग जितने लोग बैठे कोई नहीं चाहता। फिर भी आपके जीवन में अशांति आती है, दुख आता है, पीड़ा आती है। हम सब एक रंगीन ख्वाब देखते हैं कि मेरा जीवन मस्त हो, मस्त सुख शांति से बीते, मैं ये चीजों को उपलब्ध हो जाऊं, वो चीजें मिल जाए, ऐसा हो जाए। हम बहुत कल्पना करते हैं, बहुत सही कल्पना करते हैं, आप गलत नहीं करते हैं। अपनी कल्पनाओं को, अपने कल्पनाओं की उड़ान को आप अपनी अपने सपना को आप साकार करें। सोच तो बहुत रहती है हमारी, लेकिन जो हम सोचते हैं, जो नक्शा गढ़ते हैं, उस हिसाब से हमारा जीवन नहीं चलता। सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। कैसे जीवन में अच्छी घटना घटेगी? जैसे हमारी माताएं बहनें बैठी है, आप सब्जी बनाए हैं आलू और गोभी, या चेज भाजी बनाए, और मैं आपसे कहूं कि मुझे मटर पनीर की सब्जी चाहिए, तो भाई आप गोभी और आलू बनाए हैं, चेज भाजी बनाए हैं, तो कहां से आप मटर पनीर की सब्जी मुझे देंगे? बस जीवन में यही हो रहा है। सोच तो हमारी बहुत है, कल्पना तो बहुत है, लेकिन हकीकत के धरातल पर हम उतरना ही नहीं चाहते। जब तक जिंदगी है, जीवन है, समस्याएं भी बनी रहेगी। आप ये मत सोचा करें कि मेरे जीवन में समस्या ना आए। आप ये सोचते हैं कि जीवन में समस्या ना आए, ये आपकी सोच एक नई समस्या को खड़ी करती है। सोचते हो कि समस्या ना आए, बस वही वही सोच रहे हो। ऐसे सोच सोच के आप एक नई समस्या को जन्म देते हैं। आप सोचे जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थितियां आए, उन परिस्थितियों में मैं मजे से जीवन जीना है। सोच को बदलेंगे। जैसे आप सोचते हैं, आपकी जिंदगी की नींव आपकी सोच पर, आपके विचारों पर खड़ी है। जैसे आप सोचते हैं वैसे आपका जीवन बनता है, वैसे आपकी जिंदगी बनती है। इसलिए अच्छी सोच रखें, विचारों को अच्छी रखें, अच्छे विचारों की तरंग उठे, अच्छे विचारों की ज्वार भाटे आए, तब जीवन अच्छा बनेगा। आपकी सोच घटिया किस्म का है? किसी को दुख देने की भावनाएं हैं, किसी के लिए अहित करने की भावनाएं हैं, तो आपका जीवन कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। इसके लिए क्या करना है? आपकी सोच को बदलें, विचारों को बदलें। जीवन में समस्या आए या अच्छी परिस्थिति आए, उन दोनों परिस्थितियों में आप तालमेल बिठाएं। रोज एक संकल्प के साथ उठा करें, एक नई तरंग, नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ संकल्प लें। सुबह जब नींद खुले 5 मिनट अपने बेड पर बैठिए और सोचिए कि आज के 24 घंटे को मुझे शांतिपूर्वक जीना है। आज जो भी मुझे मिलेंगे सबसे प्रेम से हंसकर मुस्कुराकर बात करूंगा। हमारी माताएं बहुत उपवास रहती हैं। मैं आज आप लोगों को एक नया उपवास बता रहा हूं, शुरू करना आप लोग। मेरा उपवास, मेरा फास्ट जो बता रहा हूं उसको खा पी कर करना। मैं बिना खाए पिए वाला उपवास नहीं बता रहा हूं। आज एक नया उपवास है। आप किसी दिन सुबह उठे, खा ले मस्त, जितना मन करे, गल के आते तक जितना आपकी खुराक हो खाइए। आप उपवास कीजिए, आज मुझे अशांत नहीं होना है।
जैसे जिस दिन उपवास रहते हो भोजन नहीं करती हो, तो उस दिन उपवास रहिए, आज मुझे किसी के लिए गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा को उस दिन मत खाना, आज मुझे शांत रहना है, आज किसी को रोगा भड़वा गाली नहीं देना है। कल की बात है, जहां पर हम लोग थे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, अब उस माता के हमने चेहरा तो नहीं देखा, अपने शायद कोई बेटा सोया रहा होगा देर तक, उस बेटा को माँ गाली दे रही थी सुबह सुबह की शुरुआत, रोगा अभी तक थे उठे नहीं, भैसा बराबर पैर तान के सो। मेरी माताओं, सुबह आपके बच्चे देर से उठे, प्रेम से उठाइए, मस्त उसके गालों पे हाथ को सहला कर उठाइए, तो आप उपवास रहे गलत चीजों को छोड़ने का। एक एक चीजों को आप संकल्प लेंगे तो धीरे धीरे ही तो जीवन ठीक होता है। तो जीवन में समस्या ना आए से मत सोचिए, जैसी भी परिस्थितियां आएगी उन परिस्थितियों में मुझे प्रसन्न रहना है, प्रसन्नता आपका अधिकार है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, कई उम्र दराज के लोग बैठे हैं, हम लोग आपके जीवन में अनेकों बार समस्याएं आई हैं और विषम से विषम समस्याएं ही होगी, दुख का क्षण आया होगा, लेकिन उन समस्याओं से आप हर बार उभरे हैं, हर बार उस समस्याओं से आप ऊपर उठे हैं, उन समस्याओं को झेल कर आप आगे बढ़े हैं, तभी आप और हमारी मुलाकात हो रही है, अन्यथा आप कहां होते तो पता भी नहीं चलता। तो जीवन में समस्या आए, दुख आए, आप घबराइए मत, कोई भी परिस्थिति स्थायी टिकता नहीं है, दुख के भी दिन आते हैं वो भी बदल जाते हैं, सुख के दिन भी निकल जाते हैं, अरे जीवन तो इसी का नाम है, कभी सुख कभी दुख, इसी दुख के वजह से तो आप सुख महसूस करते हैं। अब कहीं पर पीड़ा हो रही है तो क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, बहुत दर्द है, माड़ी कोहनी में दर्द है, बैठने उठने में मुश्किल हो जाता है, अब जैसे ही पीड़ा समाप्त होती तब क्या महसूस करते हैं, सुख महसूस करते हैं। तो जीवन में दुख की भी आवश्यकता है और सुख की भी आवश्यकता है, दुख है तभी आप सुख को महसूस करते हैं, सुख है तो आप दुख को महसूस करते हैं। तो समस्या आती है तो अकेली नहीं आती है, तो किसको लेकर आती है, किसको लेकर आता है, कोई आते हैं क्या उसके साथ में, जब भी समस्या आती है तो साथ में समाधान को लेकर आती है। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो, और जिन समस्याओं का समाधान न हो वो समस्या समस्या भी नहीं है। आज 90% लोग काल्पनिक समस्याओं से ग्रसित है। एक किसान व्यक्ति है, खेत में फसल लहलहा रही है, अच्छी फसल है, अब बैठे ठाले सोच रहे हैं कि कहीं फसल में बहुत बीमारी लग गई और अच्छा धान नहीं होगा तो क्या होगा, कोई सोच रहा है कि मेरे घर में चोर आ जाएगा, चोरी करके ले जाएगा तो क्या होगा, ध्यान रखिए काल्पनिक समस्या बता रहा हूं। अच्छे बिजनेसमैन है, अच्छी दुकान चल रही है, मनी मन सोच रहा है कि किसी दिन दुकान बंद हो जाएगी तो क्या होगा, बच्चे स्कूल गए हैं, उधर कहीं दुर्घटना घट जाएगी तो क्या होगा, हुआ नहीं है, आप कल्पनाएं काल्पनिक समस्याएं सोच रहे हो और काल्पनिक समस्याओं के तले दबे हो। अरे भाई, जब जो जो होगा वो हो ही कर ही रहे, उसके लिए आप पहले से क्यों परेशान हो रहे हैं। एक कहानी को कहूंगा, फिर टाइम पूरा हो रहा है, आप लोगों को भी भूख लग रही होगी। पति और पत्नी थे, उसकी पत्नी अपनी पति देवता से कहते हैं, जी सुनते हो, लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी मैं। उसकी पत्नी कहती, उसका पति कहता, अरे क्या डॉक्टर वॉक्टर बनाना, उसको वकील बनाऊंगा मैं।
पत्नी कहे तुम भी बड़े जिद्दी स्वभाव के हो जी, आए दिन मेरी तबीयत खराब रहती है, हाई ब्लड प्रेशर हाई शुगर से मैं परेशान हूं। अच्छा होता कि हमारा बेटा डॉक्टर बन जाता तो हमारा ही बेटा हमारा इलाज कर देता। डॉक्टरों को 1,000-2,000 फीस देना पड़ता है, उससे कम से कम छुटकारा मिल जाता। उसका पति कहता है अरे जानते हो खेती बाड़ी दुकान मकान के पेशी अदालत में वकील कितने पैसा ले लेते हैं। ऐसे कहते कहते दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई, वकील डॉक्टर डॉक्टर वकील कहते कहते। उसी बीच उसके घर में थर्ड पर्सन आया, तीसरा व्यक्ति आया। उसने पूछा कि अरे भाई साहब भाभी जी आप लोग लड़ झगड़ क्यों रहे हो। तो उसकी भाभी बताती क्या बताएं देवर बाबू, मैं सोच रहा हूं कि लड़का डॉक्टर बन जाता तो अच्छा होता, और ये आपके भाई साहब सोच रहे हैं कि वकील बनाऊंगा। बस इन्हीं बातों को लेकर हमारे और इसके बीच लड़ाई है। तो तीसरा व्यक्ति आया था, वो कहता है कि ऐसा करो भाई साहब भाभी जी, लड़के को बुला लो और पूछ लो कि लड़का डॉक्टर बनेगा कि वकील बनेगा। इतना सुनते ही दोनों पत्नी पति और पत्नी एक साथ कहते हैं कि भाई साहब लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। समस्याएं जीवन में आई ही नहीं है, उस बोझ को ढो रहे हो, उस भार के तले वजन के तले दबे हुए हो। आप सबसे मेरी अपील, मेरा भी आपके भिंडरा गांव में पहली बार आगमन हुआ है, इधर से गुजरा जरूर हूं लेकिन रुका नहीं था। तो मैं भी मेरा प्रयास है कि आप लोग जो बची हुई जिंदगी है, बहुत जिंदगी हम लोग जी चुके हैं, कई उम्र के लोग बैठे हैं, जो बची हुई जिंदगी उसको प्रसन्नता पूर्वक जिए। जीवन में सुख आए दुख आए आपके होठों के मुस्कान ना जाए, आप प्रसन्न रहना बस सीखे, सब मंगलमय घटनाएं घटे। ये ना सोचे कि ऐसा मत हो जाए, होगा अब तक तो वही होते आया है, क्या आपके सोचने से रुक जाएगा। कई बार होता है घर में बूढ़े बाप है, जवान बेटा मर जाता है, बूढ़े बाप उस लाश को कंधा देकर शमशान घाट तक पहुंचाता है। घर में कोई माँ बूढ़ी है, जवान बहू चल बसती है। ये प्रकृति की घटना है और हम इस प्रकृति के आगे नतमस्तक है। जीवन है, जीवन में समस्या आएगी, घटनाएं घटेगी, उसको आप रोक नहीं सकते। आपका अधिकार अपने ऊपर है, आप अपने जीवन को हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए बिताएं। रोध होकर मत बिताए, शिकवा शिकायत में मत जिए, ये नहीं हुआ, बहू वैसे हैं, बेटे वैसे हैं, भाई ऐसे हैं, देवरान ऐसे हैं, ननंद ऐसे हैं, ये शिकवा शिकायत ही पर समाप्त करिए और एक नई जिंदगी जिए, नई ऊर्जा, नई सोच। किसी पिछली जो जिंदगी जी रहे मिला क्या अब तक, दुख पीड़ा, क्योंकि वही आपने कमाई की है, जो आपने कमाया है वही गिफ्ट के रूप में आपको मिल रहा है। इसलिए जीवन जीने के स्तर को बदले, सोच को बदले, एक दूसरे के साथ प्रेम किससे साथ रहना सीखे, लड़ते झगड़ते जीवन बीत गए, मिला कुछ दुख और अशांति अब तक हाथ लगा है, तो एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। आप में इतनी शक्ति समर्थ और ताकत है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी को अमूल चूल बदल सकें। ये मत सोचना कि भगवान हमारी जिंदगी बदल देंगे, देवी दुर्गा बदल देंगे, संत बदल देंगे, ये आपका जीवन है, आपकी जिंदगी है, अपने अपने जीवन के ठेकेदार आप स्वयं बने। एक एक व्यक्ति मिलकर समाज का निर्माण होता है, यदि हम एक एक व्यक्ति सावधान हो जाएं अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए, तो आज इस समाज बदलेगा, दुनिया बदलेगा और हमारा भारत देश तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलो श्री गुरु कबीर साहेब की जय। जयकारा की आवाज भी नहीं, भूख ज्यादा लग गई क्या? एक बार जोर से जयकारा लगाए, बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। दो दिवसीय सत्संग समारोह का आज प्रथम दिन का प्रथम सत्र प्रारंभ समाप्त हुआ, दूसरा सत्र 2:30 बजे से 3 बजे से 3 बजे से प्रारंभ होगा और आप लोग समय का ध्यान दें। सिर्फ दो ही दिन तो समय देना है आपको,
तीसरा दिन आप लोग कहेंगे महाराज जी साहेब जी फिर से सुना दीजिए, संभव नहीं है। तीसरे दिन हमारी गाड़ी यहाँ से 150 किलोमीटर दूर चले जा रहेगी, कल ही यहाँ से न्यारा हो जाएंगे हम लोग रात्रि में, तो संभव नहीं। आपको आज और कल अवसर मिला है, बड़े सौभाग्यशाली हम सब जो ऐसे बैठ करके कबीर विचारों से रूबरू हो रहे हैं, जो जीवन को परिवर्तन, जीवन में क्रांति एक लहर पैदा कर देने, अंदर अंदर एक खलबली मच जाना चाहिए अपने अंदर की, जीवन को विकास कैसे करना है इस पर विशेष चर्चा हो रही है। समय का ध्यान देंगे, शाम 3 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जो लोग आकर के पूज्य संतों पूज्य साहेब जी की बंदगी करना चाहे आकर के बंदगी कर सकते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। गुरु नाम जपले हरि नाम जपले, ये जिंदगी पानी के फोटे का, ये जिंदगी पानी के फोटे का, ये जिंदगी पानी के फोटे का, ये जिंदगी पानी के फोटे का। आए हंसता जाबे ते अत का बात है पक्का, बिरल पाके एक दिन तो ना मौत मारी धक्का। यम नहीं चीन है बड़का छोटे का, यम नहीं चीन है बड़का छोटे का, ये जिंदगी पानी के फोटे का, ये जिंदगी पानी के फोटे का। गुरु नाम जपले हरि नाम जपले, ये जिंदगी पानी के फोटे का, ये जिंदगी पानी के फोटे का। ये कि हाथ ले देवे ते हजार हाथ ले पावे, पर के आंसू पोछ के भैया भारी जस तय कमाबे, पर के आंसू पोछ के भाई भारी जस तय कमाबे, अपन वीरान के पार भरम टोटे का, ये जिंदगी पानी के फोटे का।